हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। जो हमारे जो वाइनिंग प्लांट होते हैं, कुछ जैसे कि पोथोस है, मनी प्लांट है, उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। फिलोडेंड्रॉन्स होते हैं, मॉन्स्टेरा होता है, शिंगोनियम होता है, ये सारे वाइनिंग प्लांट हैं। ये मतलब क्लाइंबिंग है, इनकी वाइन होती है, इन्हें किसी सपोर्ट के सहारे ऊपर चढ़ने की ज़रूरत रहती है। वैसे तो ये बहुत खूबसूरत होते हैं अपने आप में, लेकिन अगर इनको मॉसिस्टिक पर चढ़ा दिया जाए या कोयरिस्टिक पर चढ़ा दिया जाए तो इनकी जो खूबसूरती होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। वैसे तो जो मॉसिस्टिक है वो बाज़ार में मिलती है रेडीमेड, लेकिन हम घर पर भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि हम अपने घर पर किस तरीके से बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, कुछ भी पैसा खर्च किए हुए, मान लीजिए 10-20 रुपए खर्च हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, हम कैसे मॉसिस्टिक तैयार करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारे जो प्लांट हैं ये मॉइस्चर लविंग और शेड लविंग प्लांट हैं। तो ये जनरली हर किसी की बालकनी में मौजूद रहते हैं, हर कोई इनको आसानी से ग्रो कर पाता है। तो आज मैं इनके लिए जो मॉस स्टिक आपको बताऊंगी वो बहुत ही आपके घर में जो वेस्ट पड़ी हुई चीज़ है जिसे आप कोई भी यूज़ नहीं लेते हैं उससे हम बनाएंगे। तो आज मैं आपको एक बेकार पड़े जो झाड़ू है जो हमारा ख़राब हो जाता है, उसके बाद हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो उससे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मॉस स्टिक हम बना सकते हैं। तो जो झाड़ू है वो ख़राब हो गया है आपके घर में, उसको आप लीजिए और उसके जो रेशे वाली साइड है, रेशे वाली साइड को थोड़ा सा इक्वल करने के लिए जो उसके पोर्शन है उसको आप कट कर दीजिए, जो रेशे हैं जिधर से हम झाड़ू लगाते हैं, जिससे वो थोड़ा सा बराबर हो जाए, इवन हो जाए। उसके बाद उस साइड पर हमें उस पर टेप रैप कर देनी है, लपेट देनी है, टेप से उसको पूरा इनक्लोज कर देना है, जिससे कि जो जब हम उसकी कोर स्टिक बनाएं तो उसमें पानी अंदर ना जाए। पानी अंदर जाएगा तो जो वो झाड़ू के जो रेशे हैं वो ख़राब हो जाएंगे और हमारी मॉस स्टिक ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए प्रिकॉशनरी हम उस पर वो टेप लगा देंगे जिससे कि वो पानी उसमें अंदर ना जाए। तो उस टेप को लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारे घर में नारियल का जो कोयर रहती है, जो अपन किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए हम बाज़ार से नारियल खरीदते हैं, तो उसके जो कोयर रहते हैं ऊपर की जो जटाएं जिन्हें हम बोलते हैं, उनको हमें यूज़ करना है, उनको हमें उसके चारों तरफ लपेट देना है। जो हमने जो झाड़ू लिया है पुराना हमारा वेस्ट, उसके चारों तरफ हमें उनको लपेट देना है और उसको हमें जो जटाएं निकलती हैं उनको एज इट इज़ नहीं रखना है, थोड़ा सा उनको अलग अलग करके रख लेना है जिससे कि वो जो रैपिंग में हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। उसको किसी भी थ्रेड की सहायता से या सुतली की सहायता से उसके चारों तरफ आप लपेट सकते हैं। तो उस झाड़ू के ऊपर वो कॉयर को लपेटने के बाद हमें क्या करना है, एक जूट की रस्सी लेनी है, जूट रोप जिसे कहते हैं। तो जो जूट रोप होती है वो भी मॉइस्चर होल्ड करती है और जो कोकोनट के जो कॉयर हैं वो भी मॉइस्चर होल्ड करते हैं। तो इससे हमारी जो कॉयर स्टिक बन के तैयार होगी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी और ड्यूरेबल होगी। बेसिकली जो हमारा एम होता है वो यही रहता है कि उसमें मॉइस्चर थोड़ा सा होल्ड रहना चाहिए। मॉस स्टिक में क्या होता है, मॉइस्चर ही होल्ड करता है, जो मॉस होता है उसमें जो स्फैग्नम मॉस रहता है उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत टाइम तक मॉइस्चर होल्ड करके रखता है। तो इसीलिए वो जो एरियल रूट्स होती हैं हमारे इन प्लांट्स की, उनके लिए न्यूट्रिशन देता है। तो बस वही हमें अपनी जो होममेड कोयर स्टिक है उसमें उस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इसीलिए हम उसमें जो कोकोनट का कोयर है वो यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर से हम जो जूट की जो रोप है, जो रस्सी है, उसको लपेटेंगे। तो ये जो जूट की रोप है बाज़ार में, आपके घर में भी कई लोगों के पास पड़ी होती है, कई बार किसी काम के लिए आती है तो बच जाती है, तो वो भी हो सकता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से भी ला सकते हैं। एक 20 रुपए की जो जूट की रोप आएगी उसमें आपकी दो मॉस स्टिक बन जाएंगी, मतलब एक मॉस स्टिक में आपका सिर्फ 10 रुपए का खर्चा आने वाला है। तो उसको हम चारों तरफ उसके ऊपर रैप कर देंगे अच्छे से, और जो नीचे का पोर्शन है थोड़ा सा, जो झाड़ू का जिधर से हम हाथ से पकड़ते हैं झाड़ू को, उस साइड में थोड़ा सा छोड़ देंगे जिससे कि वो एरिया हम उसमें मिट्टी में दबाने के काम आ सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी जो कॉयर स्टिक है वो बनके तैयार हो गई।
मैं इसको मॉस स्टिक इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये इसमें मैंने मॉस का कहीं भी यूज़ नहीं किया है। इसको मैंने प्योरली कोकोनट का जो कॉयर होता है उससे प्रिपेयर किया है, तो हम इसको कॉयर स्टिक बोलेंगे। कई लोग मॉस स्टिक बोलते हैं, बट वो मॉस स्टिक जब रहती है जब हम उसमें स्फैग्नम मॉस का यूज़ करते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी मॉस स्टिक बन के तैयार हो गई है। अब मैं इस मॉस स्टिक को, मेरा जो पान का पौधा है मेरे पास, वो भी वाइन होती है एक, ग्रो करती है और उसमें भी एरियल रूट्स निकलती हैं, तो उसके उसके गमले में मैं इसको लगाऊंगी और उसके ऊपर उसको हम चढ़ाएंगे पान के पौधे के ऊपर। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरा पान का पौधा है, इसके बीचों बीच हम जो कॉयर स्टिक है उसको ऐसे डाल देंगे अच्छे से और हाथों से दबा देंगे थोड़ा साइड से, जिससे ये गिरे नहीं। तो फिर उसको लगाने के बाद हम जो पान की जो बेलें हैं, जो वाइन है, उसको उसके ऊपर हम चढ़ा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरे पान की जो पौधा है, जो वाइन है इसकी, इसको इस पर बांध दिया है, टाई कर दिया है और इसकी एरियल रूट्स अब इसके ऊपर ग्रो करने लगेंगी। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब हम वाटरिंग करेंगे तो हमें सिर्फ गमले में पानी नहीं देना है, हमें उसकी कोयर स्टिक पर भी स्प्रे करना है, जिससे कि उसमें मॉइस्चर बना रहे और हमारे जो भी ये क्लाइंबिंग वाइनिंग प्लांट्स हैं इनकी जो एरियल रूट्स हैं उनको मॉइस्चर मिले, उनको न्यूट्रिशन मिले, जिससे कि उनकी जो लीव्स हैं, जो फॉलिएज है, वो बहुत अच्छे से ग्रो करे। ये देखिए ये पान का जो पौधा है ये कितना सुंदर लग रहा है इस पर ग्रो होने के बाद। देखिए इस पर नहीं चढ़ाने का एक डिसएडवांटेज हमें होता है कि इसकी जो लीव साइज़ है वो छोटा होता जाता है। देखिए नीचे इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, लेकिन जैसे ये ग्रो कर रहा था वैसे इसकी लीव साइज छोटी होती जा रही थी, लेकिन अब इसको इस कोयर स्टिक पर हमने चढ़ा दिया है तो अब इसका जो लीव साइज़ है वो प्रॉपर रहेगा, मतलब सही रहेगा। तो फ्रेंड्स है ना बहुत ही कमाल का जुगाड़। वेस्ट झाड़ू हर किसी के घर में होता है और हम उसको अपनी गार्डनिंग में इतना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सबके घरों में मनी प्लांट ऐसे क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं तो उनके लिए कोयर स्टिक की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो क्यों ना आप भी अपने घर में किसी भी वेस्ट पड़े हुए झाड़ू से इस तरह का कोयर स्टिक बनाएं और अपने प्लांट्स को उसके ऊपर ट्रेल करें। तो आई होप फ्रेंड्स मेरा ये जुगाड़ आपको पसंद आया होगा, ये DIY जो मैंने आपको बताया कोयर स्टिक का, आपको अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर अपने गार्डन में इसको ट्राई करेंगे, अपने जो वाइन जो हैं आपके गार्डन में, जो भी ट्रेलिंग प्लांट हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स आपको ये अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे इसी तरीके के जो भी वीडियोस मैं इस पर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।